हाँ तो ये कहानी है उन लौंडों की जो अभी अभी 10वीं में या 12वीं में एंटर करेंगे, क्योंकि तैयारी होने वाली है बोर्ड की, और उसमें मजे लेने के लिए सबसे पहले आएंगे आपके हरामखोर पड़ोसी, क्योंकि वो आपके जिंदगी का सबसे बड़ा विलन होते हैं। वो क्यों, तुम प्रैक्टिकल देख लो। वैसे इस बार टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए थे? ट्यून चेंज है मामा। आंटी बस वो 80%। क्या? हाँ इसमें तो आ ही जाते हैं, बोर्ड में ला के दिखाओ तो माने। क्या ये एग्जाम एग्जाम नहीं होता क्या? बोर्ड में क्वेश्चन के आसमान से थे? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन मंगल ग्रह से आता है, जो बनेगा ही नहीं किसी से। हाँ वो बात अलग है कि मैंने 80% नंबर झूठ बोला था। अरे तुम्हारा अभी अब तक सो रहा है? मेरा लड़का तो सुबह 4 बजे से ही पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम जो है। अरे भाभी जी, ये भी 2 बजे रात तक पढ़ रहा था, इसलिए अभी तक सोया है, गधा। अच्छा अच्छा। आज तो बच गया। तुम्हें सच में लगता है कि मैं 2 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा था? मोबाइल चला रहा था मैं। वैसे पेरेंट्स इतने बुरे भी नहीं होते यार। कितना नालायक बच्चा है कि पड़ोसी के सामने झूठ बोलना पड़ता है। ये हुआ था मेरे साथ उस दिन, उस आंटी की वजह से। अगर इन आंटियों को दिया। हाँ तुम्हारा अभी तो कल है। चुप पापी बुढ़िया, बैठे बैठे पीछे की चड्डी फट जाती है बोर्ड के नाम पे, और दिमाग का भूखा हो जाता है। क्या हम खेले भी ना आखिर? अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या।